हेलो स्टूडेंट्स, एक्चुअली हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि हिस्ट्री ऑफ द सेल, राइट। हम लोग अभी साइटोलॉजी में, तो मैंने बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेल का जो डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक किया था, और वहाँ पे उन्होंने कॉर्क सेल को देखा, और कॉर्क सेल में उन्होंने सेल वॉल को देखा और उनको लगा कि वो सेल है, लेकिन फिर भी उन्होंने 1665 में ही उन्होंने इसके बारे में बताया, सेलुलर कॉन्सेप्ट दिया था, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें कि उनके बाद जो आया एंटन वॉन लीवेनहुक, राइट। एंटन वॉन लीवेनहुक अपना माइक्रोस्कोप को बनाया, और माइक्रोस्कोप के साथ उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल्स को देखा, जिसमें मैंने बताया था प्रोटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, ईटीसी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को उन्होंने लिविंग सेल्स को देखा, राइट। और अगर हम बात करें कि अब ये सेल तो पता चल गया, उसके बाद सेल थ्योरी सिल्डेन एंड स्वान ने देखा। सिल्डेन एंड स्वान ने 1838 से लेकर 1839 में उन्होंने सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया। सेल थ्योरी में उन्होंने बताया कि ऑल लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल, राइट। जितने भी लिविंग, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब क्या चीज़ से बना होगा, सेल से बना होगा, राइट। अब अगर हम बात करें कि आपको बता दें कि जब सेल थ्योरी आया तो सेल थ्योरी का एक ड्रॉबैक था, जो ड्रॉबैक ओवरकम किया वो रडल्फ वर्च, राइट। उन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने बताया ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब उन्होंने बताया कि जितने भी न्यू सेल्स अराइज होते हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से होते हैं, राइट। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज हो रहे हैं, यानी जो पहले से सेल है उससे वो नया सेल बनेगा, है कि नहीं, बात समझे, तो उससे नया सेल्स बनेगा। तो आज हम लोग उसी सेल्स का, जो भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल का साइज है, शेप है, आज उसको पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ हम स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट का डिफरेंस, राइट। यानी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को उसके अंदर में, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर में क्या है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर में क्या है, ये हर चीज़ को हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे, ओके, एनी प्रॉब्लम। तो आगे बढ़ते हैं, राइट। सेल साइज, तो सेल साइज में देखिए सबसे पहला है बैक्टीरियल सेल, और बैक्टीरियल सेल जो कि बहुत छोटा सेल्स है, अगर यूकैरियोट के कंपेयर में करें, अगर ये मान लीजिए बैक्टीरिया सेल है तो समझ जाइए ये यूकैरियोटिक सेल, यानी बहुत वेरिएशन है। यूकैरियोटिक सेल बहुत बड़ा होता है, प्रोकैरियोटिक सेल बहुत छोटा होता है, राइट। तो अगर हम बात करें कि ये बैक्टीरियल सेल्स है, तो बैक्टीरियल सेल का जो साइज होगा वो 3 से लेके 5 माइक्रोमीटर होगा, याद रखिएगा, 3 से लेके 5 माइक्रोमीटर होगा। और 3 से लेके 5 माइक्रोमीटर है तो ऐसा नहीं है कि जितने भी वर्ल्ड में बैक्टीरिया है सबका 3 से लेके 5 ही माइक्रोमीटर होगा, ऐसा बात नहीं है। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया है जो काफ़ी छोटे हैं, कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया जो बहुत छोटे हैं, जैसे दुनिया का सबसे छोटा सेल, वर्ल्ड का सबसे छोटा लिविंग सेल्स है जिसको हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, इसी का दूसरा नाम है PPLO, प्लीरो, नाम देखिएगा, प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज, क्या है इसका, प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज, और ये दुनिया का क्या है, सबसे छोटा सेल, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं इट इज अ स्मॉलेस्ट सेल, इट इज अ स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे छोटा सेल्स है PPLO, और जो ये PPLO है उसका जो साइज आप देखोगे तो 0.3 माइक्रोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अगर आपको याद करना पड़ेगा कि सबसे छोटा सेल्स का कितना साइज होता है तो 0.3 माइक्रोमीटर, ओके। तो यहाँ पे ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया एग्जाम पर्पज से, कि स्मॉल सेल का जो माइक्रोप्लाज्मा बोलेगा या PPLO, ये क्या है, इट इज अ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, राइट। और एक और बात याद रखिएगा कि जितने भी बैक्टीरिया है किसी के पास एक जो है कोलेस्ट्रॉल नाम का लिपिड जो है वो एब्सेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल जो है उसके प्लाज्मा में कोई बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्शन आप याद रखिएगा कि कोलेस्ट्रॉल जो है ये माइकोप्लाज्मा में, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा।
तो एग्जाम के पर्पज से दो आ गया इसका माइक्रो प्लाज्मा का, एक तो आपका आ गया 0.3 माइक्रोमीटर और एक आ गया आपको स्मॉलेस्ट सेल में, और इसमें आ गया कि एक माइक्रो प्लाज्मा में क्या है, कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट है, कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट है राइट। तो माइक्रो प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, उसके प्लाज्मा में, तो ये तो क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए राइट, एनी प्रॉब्लम। अब आते हैं कि लार्जेस्ट सेल क्या है। अब वर्ल्ड में स्मॉलेस्ट सेल तो जान गए, अब हम पढ़ेंगे लार्जेस्ट सेल क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि लार्जेस्ट सेल जो है एक सेल का बना हुआ एग होता है जो अप्रोक्स 7 सेंटीमीटर का होता है, और उसका जो होता है, अगर बात करते हैं कि लार्जेस्ट सेल आपको पूछा जाए वर्ल्ड में, तो लार्जेस्ट सेल आपको होगा ऑस्ट्रिच का एग। लार्जेस्ट सेल क्या होगा? ऑस्ट्रिच का एग राइट, ऑस्ट्रिच एग, लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग राइट। नेक्स्ट है आरबीसी, ये तो आपको हो गया ऑस्ट्रिच के बारे में, लार्जेस्ट सेल आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन को भी याद रखेगा कि इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग राइट। अब नेक्स्ट है कि हम लोग का आरबीसी जो ह्यूमैन में होता है, तो जो आरबीसी और ऑर्गेनिज में है, लेकिन ह्यूमैन का आरबीसी का जो डायमीटर होगा वो 7 माइक्रोमीटर होगा, कितना होगा? 7 माइक्रोमीटर डायमीटर होगा, एनी प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट है कि अगर हम बात करें नर्व सेल राइट, तो आपको तो आरबीसी का डायमीटर पता है, और आपको एक बात और बता दे कि ह्यूमैन का एक आरबीसी, ह्यूमैन का एक आरबीसी के अंदर तो दो दो फॉर्म होगा आरबीसी का, एक होगा आपको मैच्योर, एक होगा इमैच्योर। तो जो मान लीजिए मैच्योर आरबीसी है, जो मैच्योर आरबीसी है, तो मैच्योर आरबीसी और इमैच्योर आरबीसी में क्या अंतर है? तो मैच्योर आरबीसी जो होगा उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, पहला मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस क्या होगा? एब्सेंट होगा। और इमैच्योर आरबीसी में क्या है? न्यूक्लियस क्या होगा? प्रेजेंट होगा राइट। तो न्यूक्लियस एक में एब्सेंट है तो दूसरा में प्रेजेंट है। तो याद रखिएगा आरबीसी का जो मैच्योर फॉर्म ऑफ आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है, और इमैच्योर फॉर्म ऑफ आरबीसी में क्या होता है? न्यूक्लियस आपको प्रेजेंट होगा। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे मैच्योर है तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो आखिर सॉरी न्यूक्लियस एब्सेंट है मैच्योर में, अगर मैच्योर में न्यूक्लियस एब्सेंट है तो मैच्योर में जो न्यूक्लियस एब्सेंट है इसका क्या रीजन है? मान लीजिए पहला आरबीसी है इमैच्योर, बच्चा था, जैसे जन्म लेता है तो उसको बोलते हैं इमैच्योर, जैसे जैसे वो आगे जाता है वो क्या होता है? मैच्योर होता है। अब मैच्योर जैसे होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा? गायब हो जाएगा, है ना, न्यूक्लियस और जितना भी सेल ऑर्गेनेल है मैच्योर में गायब हो जाएगा। यानी आपको ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा मैच्योर आरबीसी में, ना गोल्जी बॉडी, कोई भी चीज़ ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है मैच्योर आरबीसी में। तो हम बोलेंगे ऐसा क्यों होता है? तो जब ई मैच्योर था तो उसमें न्यूक्लियस था, गुड, जब ई मैच्योर था तो उसमें न्यूक्लियस था, जब मैच्योर हुआ तो न्यूक्लियस गायब हो गया। इसीलिए गायब हो गया कि आरबीसी को जब बनाया गया हिमेटोपोएसिस के प्रोसेस से, इरिथ्रोपोएसिस के प्रोसेस से बोन मैरो के अंदर बनाया गया था, तो उसी समय आरबीसी को बोल दिया गया था कि आपको जो है जन्म इसीलिए दिया जाता है कि आप हम बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करिएगा। तो ऑक्सीजन को कैरी करिएगा तो ऑक्सीजन के लिए स्पेस चाहिए, और ऑक्सीजन के लिए जो स्पेस चाहिए तो ऑक्सीजन से बाइंड कौन करता है? हीमोग्लोबिन, हम जानते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंटेज हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करेगा। तो जैसे ही ई मैच्योर आरबीसी होगा, जो मैच्योर आरबीसी में जाएगा तो धीरे धीरे हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन बढ़ता ही जाएगा। और जैसे ही हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये आरबीसी में जब मैच्योर होगा तो बहुत सारा हीमोग्लोबिन आ जाएगा, बहुत सारा हीमोग्लोबिन आ जाएगा। और वन आरबीसी कंटेन 280 मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन, वन आरबीसी कंटेन 280 मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन। आप सोचिए इसीलिए जो इसका जो डायमीटर होता है 7 माइक्रोमीटर होता है राइट। तो और यह भी बात याद रखिएगा, एक हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करता है? तो 4,
एक हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा, 4। मैं आपको डिस्कस करूंगा ब्रीदिंग ब्लड सर्कुलेशन में इसका वर्क है, मैं आपको जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको डिस्कस करूंगा, राइट। नेक्स्ट है नर्व सेल। तो नर्व सेल जो है ये लॉन्गेस्ट सेल होता है, क्या होता है, इट इज द लॉन्गेस्ट सेल, राइट। और आपसे पूछा जाएगा कि सबसे लंबा सेल्स कौन है, जो इलोंगेटेड सेल्स कौन है जो ह्यूमन में सबसे बड़ा है, मतलब लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट में आता है नर्व सेल। और इन ह्यूमन द नर्व सेल का लेंथ जो होगा 90 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा, 90 सेंटीमीटर लेंथ होता है इन द ह्यूमन नर्व सेल, 90 सेंटीमीटर। देखिए कितना बड़ा होगा, तो 90 सेंटीमीटर इसका मैक्सिमम लेंथ हो सकता है नर्व सेल का इन द केस ऑफ ह्यूमन, एनी प्रॉब्लम। तो इस तरह से हम लोग सेल साइज का बात करें, तो हर ऑर्गेनिज्म में अपना अपना जो होगा सेल साइज होगा, राइट। किसी का बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा, डिपेंडिंग अपॉन द वर्क, डिपेंडिंग अपॉन द वर्क, है ना। तो अगर मान लीजिए इसी बात पे अगर बात करें कि कोई सेल मान लीजिए बहुत छोटा है, तो स्मॉल सेल का जो होगा मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल होगा, जो छोटा सेल्स होगा उसमें देखिए क्या क्या खासियत होगा, देखिए जो छोटा सेल्स है, दूसरा बात उसका न्यूक्लियस का साइज थोड़ा सा बड़ा होगा, साइटोप्लाज्म कम होगा। और जो छोटा सेल्स है तो न्यूक्लियस का साइज बड़ा, इसका मतलब है कि जितना भी जीन रेगुलेशन है अच्छे से हो रहा है, तब ना न्यूक्लियस में आरएनए भी बढ़ रहा है, डीएनए भी बढ़ रहा है, सब चीज़ बढ़ रहा है, जिसके कारण न्यूक्लियस का साइज ज़्यादा है। और इजिली वो क्या करेगा, डीएनए से आरएनए बना के डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी इंजाइम्स बनाएगा। तो जो स्मॉल सेल साइज होगा जिसका, उसमें मेटाबॉलिक एक्टिव सेल्स होगा, और उसका जो न्यूक्लियस होगा बड़ा होगा और साइटोप्लाज्म छोटा होगा। और दूसरा बात, इसका सरफेस ऑफ वॉल्यूम रेशियो बड़ा होगा। अगर कोई सेल मान लीजिए प्रोकैरियोट है और यूकैरियोट है, मैं डिफरेंस बताऊंगा, तो उसका सरफेस ऑफ वॉल्यूम रेशियो जो होगा ना प्रोकैरियोट का ज़्यादा होगा। अगर सरफेस ऑफ वॉल्यूम रेशियो प्रोकैरियोट का ज़्यादा है, इसका मतलब है एक्सचेंज ऑफ गैस वो ज़्यादा होगा। सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो अगर किसी भी सेल्स का ज़्यादा है तो उसमें क्या बोलेंगे, उसमें बोलेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेज फ्रॉम द सेल टू एनवायरनमेंट ज़्यादा होगा। तो सरफेस बाय वॉल्यूम भी ज़्यादा है और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब है इस तरह से जो होगा तो वो सेल्स क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्टिव सेल्स होगा, मेटाबॉलिक एक्टिव सेल्स होगा, राइट। इस तरह से हम बात करते हैं, तो मेटाबॉलिक एक्टिव सेल्स आपको बोलेगा तो सबसे पहले कहेगा स्मॉलर साइज होना चाहिए, दूसरा कहिएगा न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो साइटोप्लाज्म कम हो, तीसरा कहिएगा सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा हो। और सरफेस और वॉल्यूम रेशियो जैसे ही ज़्यादा होगा तो मेटाबॉलिक भी एक्टिव ज़्यादा होगा और एक्सचेंज ऑफ गैस भी ज़्यादा करेगा फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो इतना बात आपको समझ में आई, तो इस तरह से हम लोग सेल साइज को डिस्क्राइब करते हैं, राइट। अब अगर हम बात करें कि सेल शेप, राइट, तो हर ऑर्गेनिज्म का देखिए किसी में सबसे मोस्ट कॉमन है स्फेरिकल, फिर हो जाता है रॉड सेल इलोंगेटेड हो जाता है, फिर मान लीजिए कोई स्पाइरली है, डिफरेंट टाइप्स कोई मान लीजिए इस तरह का है, रेक्टेंगुलर होगा कोई, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, कोई पॉलीगोनल हो सकता है, मान लीजिए ऐसे है कोई पॉलीगोनल, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होगा, राइट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल का शेप जो होगा देखिए क्या क्या हो सकता है, कॉलम शेप का आप जानते हैं कॉलमनर एपिथेलियम में कॉलम शेप का होगा सेल, फिर आपको क्यूबॉइडल शेप का होगा, फिर आपको पॉलीगोनल होगा, है ना, फिर आपको थ्रेड लाइक हो सकता है धागा के जैसा, है ना, फिर आपको इरेगुलर हो सकता है, जैसे अमीबा का कोई भी शेप नहीं है तो उसको इरेगुलर शेप बोलते हैं। तो इरेगुलर शेप हो सकता है, थ्रेड लाइक हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, क्यूबॉइडल हो सकता है, कॉलमनर हो सकता है, इतना तरह का सेल शेप हो सकता है। तो आप भी हम लोग क्या पढ़े, सेल साइज पढ़े, मेटाबॉलिक एक्टिव कौन सा सेल होगा वो पढ़े, है ना। मेटाबॉलिक एक्टिव का क्या मतलब होता है कि आपका रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट है, रेस्पिरेशन जो होता है, जो रेस्पिरेटरी इंजाइम्स है वो बहुत ज़्यादा बनते हैं, ताकि सेल जो है ग्लाइकोलाइसिस ऑफ क्रेब साइकिल इजिली कर सकता है ना। तो जब तक ये ग्लाइकोलाइसिस ऑफ क्रेब साइकिल इजिली नहीं करेगा
तब तक वो दिक्कत होगा, तब तक वो दिक्कत होगा, राइट? एनी प्रॉब्लम? ओके, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, राइट? तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का बहुत डिफरेंस है और इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। एनी प्रॉब्लम? मैं यही रेज करता हूँ। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक, राइट? तो देखिए, पहला है कि सेल्स जो है वो दो तरह का, राइट? बात समझ। एक होगा और प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल जिसको हम पीके बोलते हैं। एक होता है यूकैरियोटिक सेल, एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल, एक ये होता है, राइट? अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट यहाँ लिखते हैं, राइट? पॉइंट हम लिखते हैं सेल वॉल। तो प्रोकैरियोट में तो सेल वॉल होता है डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है, राइट? प्रोकैरियोट में सेल वॉल तो होता है, लेकिन यहाँ पे जो सेल वॉल होगा वो क्या चीज़ से बना होगा? हम बोलेंगे सेलुलोज से नहीं बना होगा। क्या चीज़ से बना होगा? नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल, राइट? नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल, ओके। नेक्स्ट है यूकैरियोट का जो सेल वॉल होगा, अगर प्लांट सेल की बात करते हैं तो वो सेलुलोज से बना होगा। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट सेल वॉल्स का कंपोजिशन होगा, है कि नहीं? तो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स लेते हैं तो उसमें नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होगा। उस सेल वॉल को अगर बैक्टीरिया के सेल वॉल को आपको बताना है तो बैक्टीरिया का सेल वॉल आप बोल सकते हो इट इज अ पेप्टिडो, पेप्टिडो ग्लाइकन। क्या चीज से बना होगा? पेप्टिडो ग्लाइकन से बना होगा। और पेप्टिडो ग्लाइकन से बना होगा, एनी प्रॉब्लम, राइट? और प्लांट का जो सेल वॉल होगा वो सेलुलोज से बना होगा। अगर हम बात करते हैं फंजाई का सेल वॉल, तो फंजाई का जो सेल वॉल होगा वो काइटिन से बना होता है, राइट? और मोस्ट ऑफ द आपको जो भी ऑर्गेनिज्म मिलेगा मेनली सेलुलोज ही होगा, राइट? तो आपको याद करना क्या है कि फंजाई का सेल वॉल क्या चीज से बना है? तो काइटिन से बना है, एनी प्रॉब्लम? और ये क्या है प्रोकैरियोटिक सेल वॉल? क्या नॉन सेलुलोज, यानी ऐसा सेल वॉल जो सेलुलोज से ना बना हो। सेलुलोज से नहीं बना है तो उसको बोल सकते नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल, और वो क्या है पेप्टिडो ग्लाइकन। अब यहाँ क्वेश्चन है कि सेलुलोज तो ग्लूकोज का चेन है, राइट? डी ग्लूकोज का चेन है, राइट? यानी ये सब पॉलीसेकेराइड्स है। लेकिन यहाँ पे जो बात करें, यहाँ पे देखिए पेप्टिडो, पेप्टिडो का मतलब होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। और ग्लाइकन का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, यानी ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन से जुड़ा हो, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन से जुड़ा हो तो क्या चीज से जुड़ा होगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्योंकि जैसे ही कार्बोहाइड्रेट का एडिशन आएगा वहां पे आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलना ही पड़ेगा, है ना? तो अगर मान लीजिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो बाइंड कर रहा है बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना? और यहाँ पे देखिए आप प्रोटीन जो बाइंड होगा, प्रोटीन जो बाइंड होगा वो डिफरेंट एमिनो एसिड से, क्या होगा? डिफरेंट एमिनो एसिड से बाइंड होगा। और ये एमिनो एसिड जो के बीच में, दो एमिनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? पेप्टाइड बॉन्ड होगा, राइट? पेप्टाइड बॉन्ड। अब यहाँ पे तो प्रोटीन तो आप जानते हैं एमिनो एसिड का चेन है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट का दो फॉर्म आ जाता है यहाँ पे, यहाँ पे आ जाता है एक नाम मोनोमेरिक यूनिट, क्या है? एक नाग और एक है नाम, है ना?
इसका पूरा नाम है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, राइट। इसका पूरा नाम क्या है नाम का, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, और इसका नाम क्या है एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड, राइट। एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड है। अब अगर एक बात करें नाग और नाम, तो अब यहाँ पे बात है कि ये दोनों भी बाइंड करेगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया है तो यहाँ पे देखिए एक नाग है एक नाम है, एक नाग है एक नाम है, एक नाग है एक नाम है, एक नाग है एक नाम है। तो इस तरह का रिप्लिकेशन यूनिट जो है इसके साथ जुड़ा रहेगा। अब यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो एक्चुअली बॉन्ड होता है, आपको मैं बताऊंगा कार्बोहाइड्रेट जब बायोमोलिक्यूल में पढ़ाऊंगा, बीटा वन फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, अल्फा वन फॉर, तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो नाम और नाम जो है आपको बताना है कि ये दोनों जो आपस में बाइंड किया है, तो हम बोलेंगे एक मान लीजिए नाम है एक मान लीजिए नाग है, तो ये दोनों जो बाइंड किया है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बाइंड किया है। कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बाइंड किया है ना। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जो बाइंड हुआ है तो ये जाके बनाया, तो बहुत सारा एक्स्ट्रा लेयर हो सकता है ना, बहुत इस तरह का हो सकता है कि इस तरह का वो ग्रुप में प्रेजेंट हो, ग्रुप में प्रेजेंट हो। और एक बात और याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं ये जो प्रोटीन है, तो प्रोटीन भी तो जुड़ा होगा इस तरह से, प्रोटीन भी तो जुड़ा होगा, प्रोटीन भी तो जुड़ा होगा है ना, तो प्रोटीन भी तो जुड़ा होगा। प्रोटीन तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड से जुड़ा होगा, ओलिगोपेप्टाइड होगा, राइट। तो ये जो इस तरह का है, अब ये आपस में क्या करेगा, ये करेगा क्रॉस लिंकिंग, ये सब प्रोटीन क्या करेगा क्रॉस लिंकिंग करेगा, ताकि इससे क्या होगा, इससे जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है और हार्ड हो जाएगा, क्या होगा बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है और हार्ड हो जाएगा, जिसके कारण इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, राइट। तो हमने क्या बोला कि बैक्टीरिया का सेल वॉल जो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है, अब पेप्टिडोग्लाइकन जो है एक पॉलीसेकेराइड के तौर पे आप ले सकते हो, जिसमें क्या है प्रोटीन भी है और ग्लाइकन भी, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है, प्रोटीन में तो आप समझ गए कि अमीनो एसिड का चेन होगा, और इसमें कार्बोहाइड्रेट में क्या देखते हो नाग और नाम होगा, तो नाग का मतलब क्या है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड बीटा वन फॉर लिंकेज से जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ये जो मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है जो डिजीज काज कर रहा है मान लीजिए, तो एक आप एंटीबायोटिक खाते हैं, एक जानते हैं फंगल से पेनिसिलिन निकाला गया था, पेनिसिलियम नोटेटम, तो इस ये पेनिसिलिन क्या करता है बैक्टीरिया को मारता है, आपको पता होना चाहिए। तो बैक्टीरिया को मारता है तो ये क्या करता है, जो ये जो एमिनो एसिड का चेन है इस तरह से, जो एमिनो एसिड जो क्रॉस लिंकिंग किया है, ये पेनिसिलिन क्रॉस लिंकिंग को ही नहीं होने देता है। तो पेनिसिलिन क्या करता है, इस इट ब्रेक द लिंकिंग बिटवीन द टू पेप्टाइड्स इन द सेल वॉल फॉर्मेशन ड्यूरिंग ड्यूरिंग सेल वॉल फॉर्मेशन ऑफ द बैक्टीरिया। सो ये पेनिसिलिन क्या करता है क्रॉस लिंकिंग, इसको क्या बोलते हैं जब ये पेप्टाइड जुड़ा तो इसको क्या बोलिएगा क्रॉस लिंकिंग। तो ये तो सेल वॉल नाम नाम तो जुड़ा है, लेकिन साइड से मान लीजिए इस तरह का जो प्रोटीन इसके साथ जुड़ा है, तो ये प्रोटीन आपस में क्या करेगा क्रॉस लिंकिंग करेगा, ताकि और मजबूत हो सेल वॉल। लेकिन पेनिसिलिन क्या करता है क्रॉस लिंकिंग को ही क्या करता है प्रिवेंट कर देता है ना। तो पेनिसिलिन क्रॉस लिंकिंग को प्रिवेंट करेगा, धीरे धीरे जब ये लूज हो जाएगा तो बैक्टीरिया धीरे धीरे मर जाएगा। तो पेनिसिलिन क्या एंटीबायोटिक है, जिसके कारण क्या होता है कोई बैक्टीरिया किल होता है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो इस तरह से हम पेप्टिडोग्लाइकन याद रखेंगे, बैक्टीरिया का सेल वॉल क्या चीज से बना होता है। अब इस पेप्टिडोग्लाइकन को तोड़ने वाला एक और एंजाइम है जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम, राइट। तो लाइसोजाइम देखिए लाइसोसोम के अंदर भी लाइसोजाइम है, टीयर्स के अंदर भी लाइसोजाइम है, तो लाइसोजाइम सलाइवा में भी है ना। तो लाइसोजाइम डिफरेंट जगह पे है, वो क्या करता है उसका प्रॉपर्टीज है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, यानी लाइसोजाइम जो होता है वो बैक्टीरिया को मारने के लिए हेल्प करता है। तो ये भी क्या करता है लाइसोजाइम ऑल्सो किल द बैक्टीरियल पेप्टिडोग्लाइकन, लाइसोजाइम ऑल्सो किल द ऑल्सो ब्रेक द पेप्टिडोग्लाइकन ऑफ द बैक्टीरिया, राइट।
अब यहाँ पे एक बात और, लाइट से जाए। ये जो मान लीजिए मैं बताया ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया का सेल वाला है, और हर जगह से आपको क्रॉस लिंकिंग किया होगा, राइट, क्रॉस लिंकिंग किया होगा। लेकिन आप एक चीज और देखिए, जैसे मान लीजिए ये नाग है, ये नाम है, तो ये नाग और नाम से ब्रांच भी निकलता है, राइट। तो आपको पूछेगा कि ये पेप्टिडोग्लाइकन ब्रांच है या अनब्रांच है, तो बोलिएगा ब्रांच है। क्यों ब्रांच है? तो आपको देखिए ये नाग है, ये नाम है, ये नाग है, ये नाम है, ये नाग है, ये नाम है, तो यहाँ से क्या होगा, ब्रांचिंग भी निकल सकता है, यहाँ से क्या होगा, ब्रांचिंग भी निकल सकता है। तो एक मान लीजिए नाग है यहाँ, ये क्या होगा, नाम होगा, ये फिर क्या होगा, नाग होगा, फिर क्या होगा, नाम होगा, यानी अल्टरेशन में होगा, एक नाम और एक नाग, एक नाम और एक नाग, है ना, इस तरह से अल्टरेशन होगा। तो पेप्टिडोग्लाइकन ब्रांच है, तो देखिए इसके बीच में जो होता है वो दूसरा लिंकेज है। लेकिन याद रखिएगा लाइसोजाइम जो है वो लीनियर चेन को तो तोड़ सकता है, लीनियर चेन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन को इजिली तोड़ देगा, लेकिन ब्रांच जहाँ से होगा उस रीजन को नहीं तोड़ पाएगा, है ना। लेकिन फिर भी बैक्टीरिया के सेल वाल को अगर मान लीजिए ऐसे भी तोड़ देता है तो मर जाएगा ना, और ब्रांच को अगर नहीं तोड़, ब्रांच को ये तोड़ नहीं पाता, ये याद रखिए। तो ब्रांच का तो बॉन्डिंग अलग होगा ना, आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा कि ये जो देखिए यहाँ पे मान लीजिए सपोज बीटा 1,4 है, ठीक, और यहाँ पे क्या 1,6 हो जाएगा इस पॉइंट पर, तो 1,6 को तो ये तोड़ नहीं पाएगा, राइट। तो लाइसोजाइम नॉट ब्रेक एट द साइट ऑफ ब्रांचिंग, ब्रांच पॉइंट जो पेप्टिडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर है वहाँ पे लाइसोजाइम ब्रेक नहीं कर सकता, है ना। लेकिन फिर भी लाइसोजाइम किसको ब्रेक करता है, तो सिंपल सा जो कॉमन चेन होता है उस चेन को वो ब्रेक करता है, जिसके कारण बैक्टीरिया मर जाता है। तो पेनिसिलिन भी सेल वाल के क्रॉस लिंकिंग को रोकता है, और लाइसोजाइम भी क्या करता है, बैक्टीरिया के सेल वाल को रोकता है। मान लीजिए आपके आँख में अगर कोई बैक्टीरिया घुस गया, आप बाइक चला रहे हो कुछ भी, या कभी भी ऐसा हो सकता है, अब आपको इरिटेशन होता है, तो उस समय आपको प्रोटेक्ट कौन करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, तो हम जानते हैं टीयर्स में क्या प्रेजेंट है, लाइसोजाइम प्रेजेंट है। टीयर्स में क्या प्रेजेंट है, तो टीयर्स में एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है। तो एंटीबॉडी ए यहाँ कौन सा होगा, सिक्रेटरी एंटीबॉडी होगा, जो ऐसा एंटीबॉडी जो सिक्रीशन में मदद करे। तो टीयर्स भी क्या है, सिक्रीशन है, है ना। जैसे माँ का मिल्क से भी सिक्रेटरी एंटीबॉडी ए आता है। तो जितना जगह पे आपको बाय डिफॉल्ट याद रखिएगा, जहाँ पे भी नाम आएगा सिक्रीशन तो एंटीबॉडी ए होगा, है ना। अब मान लीजिए मदर मिल्क से कौन सिक्रीट हो रहा है, कौन सा एंटीबॉडी, एंटीबॉडी है। अब प्लासेंटा से नहीं कहेगा सिक्रीट हो रहा है, बोल रहा है प्लासेंटा को कौन क्रॉस करके फीटस को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो होगा IgG। मैं आपको डिस्कस कर लूँगा रिप्रोडक्शन चैप्टर में, 12th का डिस्कस करूँगा, नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग एक ही बार ऐसा पढ़ लेंगे ताकि हम लोग को नीट का तैयारी हो सके। एनी प्रॉब्लम है ना, इस तरह से हम बात करेंगे। राइट, कोई दिक्कत, इसको बोलिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो देखते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप जो देखिएगा, तो क्या देखिएगा, इसमें दोनों में प्रेजेंट होगा, दोनों में प्रेजेंट होगा, इसको मिटा दो, लॉकडाउन में सबको दिक्कत हो गया है, इसीलिए थोड़ा सा एडजस्ट करना है ना। अब है आपको देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट, दूसरा पॉइंट क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एक आपको हो गया प्रोकैरियोट PK, और एक हो गया EK। अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट है,
यूकेरियोट में डिफरजेंट है, ठीक है। अंतर क्या देखे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लीजिए एक ऐसा बाउंड्री ऑफ द सेल होता है जो साइटोप्लाज्म को चारों तरफ से घेर के रखता है और एक कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन करता है। तो मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन अगर ये कोई बैक्टीरिया सेल है तो उसके अंदर में कोई सेल ऑर्गेनेली नहीं है मेम्ब्रेन बाउंड, यानी देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट होता है। अब देखिए प्रोकैरियोट यानी प्रीमिटिव सेल, प्रो मतलब प्रीमिटिव, कैरियोट मतलब ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो, और यूकैरियोट का मतलब यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब क्या होता है ट्रू, और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसा सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो, तो जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होगा वो यूकैरियोट होगा, है ना। तो अगर हम बात करते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल किसमें एब्सेंट है, तो देखिए इसमें एब्सेंट है प्रोकैरियोट, और यूकैरियोट में क्या है प्रेजेंट है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है। तो इसलिए देखिए एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है और एक ऑर्गेनेली का भी मेम्ब्रेन है, तो इसमें दो इनवेलप हो गया, तो इसीलिए यूकैरियोटिक सेल्स को बोलते हैं टू इनवेलप सिस्टम, राइट। तो आपको पूछेगा टू इनवेलप सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट है या एब्सेंट है, प्रोकैरियोट में बोलेंगे एब्सेंट है, यूकैरियोट में बोलेंगे टू इनवेलप सिस्टम क्या है प्रेजेंट है। तो यूकैरियोट में आपको टू इनवेलप सिस्टम प्रेजेंट है और यहाँ एब्सेंट है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, इतना तो समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं आपको राइबोसोम, किसका राइबोसोम है ना। तो राइबोसोम है, तो राइबोसोम आप देखते हो कि आपको बता दें कि राइबोसोम प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट है और यूकैरियोट में भी प्रेजेंट है ना, राइबोसोम प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट है और यूकैरियोट में प्रेजेंट है। तो प्रेजेंस तो दोनों जगह होगा, लेकिन राइबोसोम जो यहाँ होता है वो होता है 70S टाइप, और यूकैरियोट में कितना होगा 80S टाइप। लेकिन याद रखिएगा यूकैरियोट में जो मेन होता है 80S टाइप होता है, और यहाँ पे ऑर्गेनेली में 70S भी होता है। अगर आपसे पूछेगा यूकैरियोट में क्या होता है, तो दोनों होता है, ऐसे बोलेंगे बोथ, बिकॉज यूकैरियोटिक सिस्टम हैविंग डिफरेंट ऑर्गेनेली, और ऑर्गेनेली का फीचर्स जो होगा एज लाइक प्रोकैरियोटिक होगा, तो प्रोकैरियोट के जैसा होगा, इसलिए हम प्रोकैरियोट का राइबोसोम कितना है 70S टाइप है, यूकैरियोट का मेनली कितना 80S है, लेकिन इसमें ऑर्गेनेली है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऑर्गेनेली जो होता है यूकैरियोट का वो इक्वल है आपको प्रोकैरियोटिक नेचर के, नेचर 100% नहीं होता है, लेकिन कोई भी ऑर्गेनेली जो यूकैरियोट का है, जैसे मान लीजिए किस किस ऑर्गेनेली में राइबोसोम है, तो हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में है और क्लोरोप्लास्ट में है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम है और क्लोरोप्लास्ट में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम्स है उसको क्या बोलेंगे 70S, क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम है उसको क्या बोलेंगे 70S। इसलिए हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सिस्टम में 80S भी है और 70S भी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं कि क्वेश्चन पूछे कि इन द केस ऑफ यूकैरियोट राइबोसोम व्हिच टाइप ऑफ राइबोसोम फाउंड इन द केस ऑफ यूकैरियोट, तो ऑप्शन देगा आपको 80S, अब पहला ऑप्शन देगा 80S, ऐसे नहीं कि मार के आ जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। आपको आपको मानना है बोथ, बोथ का मतलब हो गया 80S प्लस 70S दोनों, राइट। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कशन भी हम लोग करने वाले हैं, और ऐसा ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो प्रोबेबल है कि आपके नीट एग्जाम में भी आ सकता है ना। तो अगर हम बात करें राइबोसोम का, तो राइबोसोम आपको 70S और 80S, और याद रखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें कि राइबोसोम, आप देखिए यहाँ पे जो होगा दो चीज होगा, एक होगा लार्ज सब यूनिट, और 70S को दो कैटेगरी में बांटेगा, एक लार्ज सब यूनिट या लार्जर सब यूनिट, एक हो गया स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट,
यानी आपको बोल दे कि राइबोसोम क्या चीज का बना चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट, तो बोलिएगा आरएनए प्लस प्रोटीन से बना है। क्या चीज से बना है? आरएनए और प्लस प्रोटीन से। और ये दोनों का लार्ज और स्मॉल में देखिए, लार्ज सब यूनिट जो होगा वो होगा आपको 50s इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट, और स्मॉल सब यूनिट होगा इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट 40s, राइट। अब इसमें देखिए ऐसा राइबोसोम का फीचर्स क्या है, यानी ऐसा कि प्रोटीन भी हो, ये मान लीजिए सब यूनिट क्या प्रोटीन, और इसके अंदर में छोटा छोटा आरएनए भी हो, और यूकैरियोट में भी ऐसा होगा कि प्रोटीन हो, सब यूनिट हो और छोटा छोटा आरएनए भी हो। याद रखिएगा लार्ज सब यूनिट के पास जो आरएनए होगा, यहाँ पे जो राइबोसोम मेडअप ऑफ आरएनए, कौन सा आरएनए? राइबोसोमल आरएनए। तीन तरह का आरएनए होता है हम लोग में, एक होता है आपको राइबोसोमल आरएनए, एक होता है आपको मैसेंजर आरएनए एम फॉर मैसेंजर, एक होता है ट्रांसफर आरएनए। हर चीज को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, एक एक कर पढ़ाऊंगा, आपको ध्यान देना हमेशा क्लास को, जब भी आपको लेक्चर मिले मेरा एकदम बी कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए, डेफिनेटली आप सक्सेस करिएगा, राइट। तो अगर हम बात करते हैं ये राइबोसोमल आरएनए मैसेंजर आरएनए, ये तीनों आरएनए जब मिलेगा तब ही प्रोटीन बनता है कोई भी सेल में, राइट। मैं बताऊंगा किस तरह से बनता है, क्योंकि ये मान लीजिए ट्रांसफर आरएनए एडेप्टर मॉलिक्यूल है, मैसेंजर यानी डीएनए ने मैसेज दिया, और राइबोसोमल आरएनए क्या करता है उस मैसेज को पढ़ के डिफरेंट एमिनो एसिड को जोड़ के प्रोटीन बनाता है। मैं डिस्कस करूंगा, आप लोग टेंशन मत लो, है ना। तो नेक्स्ट है कि ये प्रोकैरियोट में तो लास्ट में 50s, अब 50s के अंदर में देखिए क्या होगा, 23s राइबोसोमल आरएनए। एस फोर होता है स्वेडबर्ग कांस्टेंट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, स्वेडबर्ग होता है, जब मैं राइबोसोम डिस्कस करूंगा अगले मतलब ऑर्गेनेली में तो मैं बताऊंगा एस मीन्स क्या होता है, स्वेडबर्ग साइंटिस्ट का नाम था। तो इसके अंदर में लार्ज सेल यूनिट के अंदर में 23s राइबोसोमल आरएनए होता है, और एक होता है 5s राइबोसोमल आरएनए, राइट। और स्मॉल सेल यूनिट के अंदर में होता है आपको 16s राइबोसोमल आरएनए। इतना तो जरूर याद रखिएगा कि लार्ज सेल यूनिट ऑफ प्रोकैरियोट में जो 50s है उसके अंदर में कौन कौन सा छोटा छोटा आरएनए है उस सेल यूनिट के अंदर, सेल यूनिट का मतलब प्रोटीन, और इस सेल यूनिट के अंदर में क्या है 23s राइबोसोमल आरएनए, फिर क्या है 5s राइबोसोमल आरएनए आल्सो फॉर्म। फिर नेक्स्ट है आपको कि अगर हम बात करते हैं स्मॉल सब यूनिट का, तो स्मॉल सब यूनिट में क्या 16s राइबोसोमल आरएनए, अब 16s राइबोसोमल आरएनए, और याद रखिएगा 16s राइबोसोमल आरएनए कोई भी ऑर्गेनिज्म में अगर पाया जाएगा, कोई भी सेल्स में पाया जाएगा, तो उस सेल्स को हम बोलते हैं कि इट इज अ सिग्नेचर, सिग्नेचर सीक्वेंस ऑफ प्रोकैरियोट। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में अगर मान लीजिए 16s राइबोसोमल आरएनए है तो क्या है प्रोकैरियोट्स, राइट। और नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, अगर 80s को बांटेंगे तो 80s को दो चीज में बांटते हैं, एक लार्ज सब यूनिट 60s होता है, स्मॉल सब यूनिट 40s होता है, सॉरी एक चीज देखिए, वन मिस्टेक इज देयर, यहाँ पे देखिए ये 50s है और ये क्या है 30s है, है ना। स्मॉल सब यूनिट क्या होता है प्रोकैरियोट 30s होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये क्या 30s है, राइट। स्मॉल सब यूनिट आपका 30s है ना, तो ये आपको 50s हो गया और एक हो गया 30s। तो 30s में अगर हम बात करें तो 30s के अंदर में क्या 16s राइबोसोमल आरएनए, और यहाँ पे क्या यूकैरियोट में 60s है और 40s है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि 60s में क्या क्या होगा, कौन कौन सा आरएनए होगा, तो हम यहाँ बोलेंगे 60s में जो होगा वो होगा आपको पहला 28s राइबोसोमल आरएनए, फिर होगा आपको 5.8s राइबोसोमल आरएनए, फिर होगा 5s राइबोसोमल आरएनए। तो इस तरह का राइबोसोमल आरएनए आपको मिलेगा। तो अब देखिए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कौन कॉमन है 5s है कि नहीं, प्रोकैरियोट में भी 5s है, यूकैरियोट में भी 5s है क्या। अब अगर बात करें एक एक्स्ट्रा राइबोसोमल आरएनए जो है 5.8s है इन द केस ऑफ यूकैरियोट, यहाँ पे जरूर याद रखेगा वो बाय मिस्टेक लिख दिए थे, यहाँ पे 50 और 30 ऐसे याद रखेगा, 50 प्लस 30 80 होता है, लेकिन मैं बताऊंगा ये ऐड नहीं कर सकते हैं इसको, नहीं तो 80 हो जाता ना ऐड करते तो, लेकिन ये क्या है
ये एडिंग नहीं होता है, ये सब बस सेंट्रीफ्यूज जब करते हैं तो इसका वैल्यू आता है। मैं राइबोसोम में आपको डिस्कस करने वाला हूँ, राइट, एनी प्रॉब्लम? तो इस तरह से हम लोग बात करेंगे, है ना। तो अब ये तो अब मान लीजिए लार्ज सब यूनिट में 60-40 है, अब स्मॉल सब यूनिट में क्या होगा, स्मॉल सब यूनिट में आपको 18S होगा, 18S राइबोसोम होगा, लेकिन प्रोकैरियोट में कितना था, 16S। तो इसको अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो मैं नेक्स्ट जब ऑर्गेनेल पढ़ाऊंगा राइबोसोम वाला तो उसमें आपको समझ में आएगा, है कि नहीं, एनी प्रॉब्लम? इस तरह से हम लोग राइबोसोम। अब मेन है आपको नेक्स्ट पढ़ाएंगे इन ग्रोथ ऑफ प्लाज्मा में, इसको मीठा याद रखिएगा, 70S 50S बाय मिस्टेक यहाँ 40 हो गया था, 70S और 30S, मतलब 70S को दो कैटेगरी में बांट देते हैं, लार्ज और स्मॉल, लार्ज सबनेट 50S, स्मॉल सबनेट 30S, राइट, है ना। इसको पेलाडे पार्टिकल भी बोलते हैं, राइबोसोम को क्या बोलते हैं, पेलाडे पार्टिकल, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम ही है पेलाडे, तो पेलाडे पार्टिकल ही बोला जाता है इसको, है ना, कोई दिक्कत। और याद रखिएगा लार्ज और स्मॉल सब यूनिट जो जुड़ता है, मान लीजिए ये स्मॉल सब यूनिट है, ये लार्ज सब यूनिट अगर जुड़ता है तो बाय द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन, जरूर याद रखिएगा, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लार्ज और स्मॉल सब यूनिट जो है वो मैग्नीशियम आयन के कारण ही जुड़ता है, ठीक है। इसको मिटाओ, अब मैं इसमें पढ़ाऊंगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इन ग्रोथ होता है उसको हम बोलते हैं मीजोसोम, जो कि यूकैरियोट में इन ग्रोथ एब्सेंट होता है, और जैसे ही इन ग्रोथ होगा वहीं पे बैक्टीरिया का क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन का भी प्रोसेस वहीं होता है। तो बैक्टीरिया में के मीजोसोम में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन वहाँ होगा, और आपको बता दें सबसे मेन है क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है, तो बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो वहाँ एटीपी कहाँ बनेगा, यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया के पास ही तो एटीपी बनता है, लेकिन प्रोकैरियोट के सेल में कहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं तो कहाँ एटीपी बनेगा, तो हम बोलेंगे मीजोसोम। क्या बोलेंगे, मीजोसोम। आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि मीजोसोम क्या है तो बोलिए इन ग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या बोलिएगा, इन ग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज मीजोसोम, क्या बोलेंगे, इन ग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मीजोसोम, एनी प्रॉब्लम? चल नेक्स्ट है आप इन ग्रोथ, राइट, ग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट हो, यहाँ क्या हो, एब्सेंट हो, राइट। तो इन ग्रोथ देखे, मान लीजिए ये कोई बैक्टीरिया है, राइट, अब इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, इन ग्रोथ कर लिया इसे, ठीक है, अब इन ग्रोथ कर लिया तो इसी के कारण क्या होता है, यहाँ पर डीएनए भी है, अटैच रहता है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस दिस इनफोल्डेड या इन ग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज मीजोसोम। तो मीजोसोम आपको कहाँ प्रेजेंट मिलेगा, प्रोकैरियोट में, मीजोसोम बताइए कहाँ एब्सेंट रहेगा, यूकैरियोट में। तो मीजोसोम क्या है, यहाँ पे मीजोसोम नहीं पाया जाता है, क्योंकि यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया है ही, तो क्या जरूरी है मीजोसोम का, है ना। तो मीजोसोम यहाँ पे हम बात करेंगे, मीजोसोम के पास क्या होता है, तो याद रखिएगा डीएनए रेप्लिकेशन होता है बैक्टीरिया का यहाँ पे, और दूसरा होता है आपको एटीपी सिंथेसिस होता है। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आएगा क्वेश्चन, एटीपी वाला आएगा कि एटीपी बैक्टीरिया में कहाँ बनता है, तो हम बोलेंगे मीजोसोम। और यूकैरियोट में नहीं रहता है मीजोसोम, उसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया तो टेंशन है ही नहीं, तो यूकैरियोट में एटीपी कहाँ बनता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या बनता है, एटीपी बनता है, राइट, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या बनता है, एटीपी बनता है, एनी प्रॉब्लम? तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एंजाइम है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ाऊंगा,
माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरह से एटीपी बनेगा, है ना। तो मीजोसोम इनग्रोथ हो गया। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि अगर इस तरह से मीजोसोम की बात करें, तो मीजोसोम में तो डीएनए रेप्लिकेशन और एटीपी सिंथेसिस हुआ, और यूकैरियोट में इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे एटीपी सिंथेसिस होता है। अब यहाँ पे इन ग्रोथ तो समझ में आ गया, आप आउट ग्रोथ पढ़ते हैं कि अब दूसरा पॉइंट है आपको आउट ग्रोथ। ये पहला था, ये दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पॉइंट, ये हो गया इन ग्रोथ, एक होता है आउट ग्रोथ। तो आउट ग्रोथ यहाँ पे आपको प्रोकैरियोट में तो प्रेजेंट होगा, लेकिन यूकैरियोट में क्या होगा, एब्सेंट होगा, राइट। यूकैरियोट में क्या होगा, एब्सेंट होगा, प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होगा। यही आउट ग्रोथ जो है आगे चल के क्या बोलता है, पाइली बनता है और फिमरी बनता है, ठीक है, पाइली बनता है और फिमरी बनता है। अब पाइलिन प्रोटीन क्या होता है, एडहेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। पाइलिन प्रोटीन और ये सब प्रोटीन क्या होता है, एडहेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हम जानते हैं बैक्टीरिया का जो पाइली होता है वो सेक्स के लिए होता है, बैक्टीरिया के लिए। तो कंजुगेशन होगा वो इसी से करेगा, राइट। कंजुगेशन आउट ग्रोथ से जो पाइली बनता है, जैसे मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउट ग्रोथ की मीन्स क्या, बाहर की तरफ, है ना। तो बाहर की तरफ जो ग्रोथ होगा उसी को क्या बोलेंगे, ये आउट ग्रोथ। आउट ग्रोथ से ये बनता है, सब क्या होता है, अटैचमेंट के लिए होता है। मान लीजिए एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से इंटरकोर्स करना चाह रहा है, तो ये अपने पाइली से मिलेगा और दोनों के बीच में क्या होगा, एक ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, और इसी से डीएनए का भी एक्सचेंज होता है। कंजुगेशन ट्यूब बोलते हैं इसको, है ना, कंजुगेशन ट्यूब बोलते हैं। तो ये मैं पढ़ाऊंगा आगे, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि आउट ग्रोथ कहाँ पाया जाता है, प्रोकैरियोट में पाया जाता है, यूकैरियोट में एब्सेंट होता है। इसको मिटा देता हूँ, राइट। एनी प्रॉब्लम, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट, इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट का, राइट। तो प्रोकैरियोट में आपका जो डीएनए होगा, है ना, आपका जो डीएनए होगा वो डीएनए आपको नेकेड होगा। प्रोकैरियोट में जो डीएनए होगा वो कैसा होगा, नेकेड होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन के साथ कवर्ड होगा, है ना। इसमें नेकेड नहीं बोलते हैं, यानी रैपिंग ऑन हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए रैप ऑन हिस्टोन प्रोटीन एंड फॉर्म क्रोमोसोम, और ये क्रोमोसोम मेटाफेज में हमको देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें कि बैक्टीरिया में कितना क्रोमोसोम होता है, तो बोलेंगे सिंगल, इट इज हैविंग अ मेन क्रोमोसोमल डीएनए, एक क्रोमोसोम होता है और छोटा छोटा डीएनए भी होता है, और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिक डीएनए। इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट, यूकैरियोट में बस ईस्ट सेल में प्लाज्मिन है, बाकी सेल में नहीं है। यूकैरियोट में मोस्टली एब्सेंट ही होता है प्लाज्मिन, है ना। तो प्लाज्मिन आपको प्रोकैरियोट में मिलता है, यूकैरियोट में भी मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर यूकैरियोट, है ना, सेक्रोमाइसिस सेरिबेसिस बडिंग ईस्ट ये सब क्या है, इस सब में प्लाज्मिन आपको मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, इन द केस ऑफ यूकैरियोट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन द केस ऑफ यूकैरियोट, तो आपको हम बोलेंगे कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड क्लोरोप्लास्टिडल डीएनए, यानी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और क्लोरोप्लास्टिडल डीएनए क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। यूकैरियोट में भी प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट में प्लाज्मिन बोलते हैं, लेकिन आपको ईस्ट जो है, ईस्ट में भी प्लाज्मिन होता है जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, इसको सैक्रोमाइसिस सेरेबेसिस साइंटिफिक नेम से जाना जाता है ना। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फाउंड है और मेन क्रोमोसोमल है, और नेकेड डीएनए होता है ना, और इसमें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जगह क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये एक बैक्टीरिया है और यहाँ पे इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से थोड़ा अटैच है इसका डीएनए, तो इस डीएनए में देखिए हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट, बट हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट इन द केस ऑफ यूकैरियोट।
तो ऐसा नहीं है कि यूकैरियोट में कोई भी प्रोटीन ऐसा नहीं है जो डीएनए से नहीं बाइंड करेगा। हम बोलेंगे नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। क्या है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन है इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट। यूकैरियोट में भी नॉन हिस्टोन है, तो यही नॉन हिस्टोन प्रोटीन और ये साइटोप्लाज्म का रीजन और डीएनए जो यहाँ पे रहेगा उसको क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड, है ना। इसी को जीनोफोर भी बोल सकते हैं। क्या न्यूक्लियोइड? दिस इज नॉट अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के कभी भी बायोलॉजी में ओ आई डी आपको नाम लग गया तो आप समझ जाना कि इसका मतलब होता है एज लाइक, यानी ऐसा ऑर्गेनेली जो न्यूक्लियस के जैसा है। राइट, तो न्यूक्लियस के जैसा ऑर्गेनेली है, लेकिन न्यूक्लियस तो है नहीं, तो न्यूक्लियोइड बोले, इसी को क्या बोलेंगे? जीनोफोर, है ना। तब के न्यूक्लियोइड तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है? न्यूक्लियस खुद रहता है। और न्यूक्लियस हम जानते हैं डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनेली है, तो इस तरह से ये न्यूक्लियस है, डबल मेम्ब्रेनस होगा। क्या बात समझिए? तो यहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगा, हिस्टोन नहीं होगा, लेकिन नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है और बहुत सारा डीएनए का जीन होगा, है ना। तो उस सब जीन सब मिल के एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं या जीनोफोर बोलते हैं, है ना। और देखिए एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है इसका डीएनए का प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है कि नहीं? तो बात समझ में आ रहा है। तो न्यूक्लियोइड रीजन के पास ही डीएनए है इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट, लेकिन देयर इज नो हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट, राइट। हिस्टोन प्रोटीन क्या है? एब्सेंट है इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट, बट प्रेजेंट कहाँ है? हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट इन द केस ऑफ यूकैरियोट, है ना। हिस्टोन प्रेजेंट है इन द केस ऑफ यूकैरियोट। अब यहाँ पे बात करेंगे हम जीन डेंसिटी का, है ना, जीन डेंसिटी का। तो जीन डेंसिटी जो होता है आपको तो बता देते हैं। देखिए अगर मान लीजिए ये कोई भी डीएनए है, अगर ये प्रोकैरियोटिक डीएनए है तो ये डीएनए से आरएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, तो डीएनए से जो आरएनए बनेगा इस आरएनए पे क्या होगा? इंट्रोन होगा। क्या होगा? अगर ये प्रोकैरियोट है तो देर इज नो इंट्रोन, इंट्रोन नहीं होगा, यानी डीएनए से डायरेक्ट जो आरएनए बनेगा उसको मैसेंजर आरएनए बोल देंगे। लेकिन इन द केस ऑफ यूकैरियोट में, अब इसका देखिए प्रोकैरियोट का डीएनए कैसा होगा? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होगा, मेनली डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होगा इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट में इंट्रोन का बात करें तो इंट्रोन क्या होगा? इंट्रोन आपको एब्सेंट होगा। प्रोकैरियोट में इंट्रोन क्या होगा? एब्सेंट होगा। और अच्छा इसको समझ, इसको मिटा, देखिए डीएनए जो होगा प्रोकैरियोट का, याद रखिएगा, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, मेनली यानी मोस्ट कॉमन फॉर्म क्या होगा? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। लेकिन यूकैरियोट का जो डीएनए होगा वो लीनियर होगा और डबल स्ट्रैंडेड होगा, डीएस लीनियर डीएनए, डीएस सर्कुलर डीएनए। अब यहाँ पे बात करेंगे हिस्टोन, क्या बताया था आपको? हिस्टोन एब्सेंट होता है और हिस्टोन एक ऐसा प्रोटीन है जो डीएनए से बाइंड करता है। तो डीएनए क्या है? एसिडिक है, नाम ही है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो यहाँ पे एसिडिक है डीएनए और ये हिस्टोन क्या है? बेसिक है। और इसके क्या होता है? प्लस चार्ज होता है, डीएनए पे माइनस चार्ज होता है, तो इसलिए जो प्लस चार्ज हिस्टोन है वो डीएनए से, या डीएनए जो है प्लस चार्ज हिस्टोन से इजिली रिएक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए ये हिस्टोन है, हिस्टोन पे प्लस चार्ज है और डीएनए पे क्या है? माइनस चार्ज है, तो वो आराम से वो क्या होता है? रैपनिंग। तो मैं आपको बताऊंगा न्यूक्लियोसोम मॉडल, न्यूक्लियोसोम मॉडल में आपको हम डीएनए पैकेजिंग जब पढ़ाएंगे ना यूकैरियोटिक सिस्टम में, तो आपको तो बता दें हिस्टोन तो होता नहीं प्रोकैरियोट में, तो पैकेजिंग यहाँ एब्सेंट होगा इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट। लेकिन यूकैरियोट में क्या होगा? पैकेजिंग प्रेजेंट होगा। तो लिख देते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन द केस ऑफ यूकैरियोट में क्या होगा?
प्रेजेंट होगा, राइट प्रेजेंट होगा, और इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट में पैकेजिंग एब्सेंट है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि हिस्टोन नहीं है तो थोड़ा सा भी रैप नहीं होगा, यहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन बहुत सारा होता है, स्केफोल्ड रेगुलेटरी में बताऊंगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है और यही सब मिलके क्या स्ट्रक्चर बनाता है, मैं आपको बताया था न्यूक्लियोइड बनाता है या जीनोफोर बनाता है ना। तो इस तरह से हम बात करते हैं डीएनए का, है ना, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखें बैक्टीरिया जो डिवीजन करेगा, प्रोकैरियोट में क्या आता है, बैक्टीरिया और वायरस, एग्जाम्पल क्या आएगा, बैक्टीरिया एंड वायरस। अब देखिए प्रोकैरियोट जो डिवीजन करेगा, इसके डिवीजन को बोलते हैं हम बाइनरी फ्यूजन। बैक्टीरिया का डिवीजन कैसे होगा, बाइनरी फ्यूजन से होता है। यहाँ पे कोई सेल साइकिल का बात नहीं करेंगे, कोई सेल साइकिल का फेज का बात नहीं करेंगे, ना यहाँ पे G1 बोलेंगे, ना S बोलेंगे, ना G2। अब पूछेगा आपको बैक्टीरिया में सेल डिवीजन डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, तो आप क्या बोलोगे कि S फेज, नहीं बैक्टीरिया में S फेज होता ही नहीं है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बैक्टीरिया में सेल साइकिल की बात करते ही नहीं है, उसमें तो बाइनरी फ्यूजन है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होगा बैक्टीरिया का वो कब होगा, तो हम बोलेंगे प्रायर टू बाइनरी फ्यूजन। क्या बोलेंगे, प्रायर टू बाइनरी फ्यूजन, है ना, तो बाइनरी फ्यूजन से जस्ट पहले होगा, है ना। लेकिन यूकैरियोट में यहाँ पे क्या होगा, इसमें सेल साइकिल होगा, सेल साइकिल का ऑल फेज प्रेजेंट होगा, सेल साइकिल भी होगा और सेल डिवीजन भी होगा, सेल साइकिल भी होगा और सेल डिवीजन भी होगा, सेल साइकिल भी होगा और सेल डिवीजन भी होगा। और सेल साइकिल में G1 फेज, S फेज, G2 फेज और यहाँ पे होगा M फेज, यानी M फेज का मतलब हो गया सोमैटिक सेल है तो माइटोसिस करेगा और जर्म सेल है तो क्या करेगा, मियोसिस करेगा। तो याद रखिएगा सोमैटिक सेल होगा तो माइटोसिस करेगा सोमैटिक सेल में, और जो सेक्स सेल होगा, सेक्स सेल को क्या बोलेंगे, जर्म सेल बोलेंगे, तो इसमें क्या वो करेगा, मियोसिस करेगा, राइट। तो सेक्स सेल में मियोसिस समय, यानी यूकैरियोट में माइटोसिस मियोसिस होता है, लेकिन प्रोकैरियोट में माइटोसिस मियोसिस की बात नहीं करते, सेल साइकिल का फेज की बात भी नहीं करते। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि मान लो कि यहाँ पे जीन डेंसिटी है, राइट, मैं आपको पढ़ाया तो जीन डेंसिटी आपको बताया, तो आप जान लो कि ये मान लो ये प्रोकैरियोट का सर्कुलर डीएनए डबल स्ट्रैंड। अब यहाँ पे बहुत सारा जीन होगा इसका, ए बी सी डी जो भी है, तो एक जीन को हम लेते, मान लीजिए जीन है आरएनए बनाए, तो आरएनए से ये डायरेक्ट प्रोटीन बना लेता है, तो डीएनए से आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन से। ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे डीएनए से आरएनए बनता है, और एक होता है ट्रांसलेशन। तो आरएनए से जो प्रोटीन बनेगा उसको बोलेंगे ट्रांसलेशन, और डीएनए से जो आरएनए बनेगा उसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। तो एक होगा ट्रांसक्रिप्शन, है तो प्रोकैरियोट में ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन होगा, यूकैरियोट में भी होगा, है ना, क्योंकि प्रोकैरियोट में तो कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं है, तो पूछेगा राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट है, तो साइटोप्लाज्म में, और यूकैरियोट में क्या बोलेगा, राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी प्रेजेंट है, और आपको ऑर्गेनेली के अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट है, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए जीन डेंसिटी, तो हम जानते हैं इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट इंट्रोन होता है, इंट्रोन क्या होता है, नॉन फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए, नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए। तो इंट्रोन आपको यहाँ पे एब्सेंट होगा इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट, इंट्रोन यहाँ पे आपको प्रेजेंट होगा। आप देखिए डीएनए से आरएनए आने से, क्योंकि इंट्रोन तो नहीं था, लेकिन यूकैरियोटिक सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलेगा, यूकैरियोटिक सिस्टम में आपको यहाँ पे इंट्रोन मिलेगा, इंट्रोन पाया जाता है यूकैरियोट में। तो ये मान लीजिए डीएनए है, तो डीएनए से जो आरएनए बनेगा, तो देखिए कुछ एक रीजन होता है एक्सोन EXON, एक रीजन होता है इंट्रोन, फिर होता है एक्सोन, फिर होता है इंट्रोन। तो इंट्रोन क्या है, नॉन फंक्शनल पार्ट है, इसलिए इसको काट के हटाया जाएगा। तो यूकैरियोटिक सिस्टम में इंट्रोन को हटाया जाता है बाय द हेल्प ऑफ वन एंजाइम कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड स्प्लाइसियोसोम। क्या बोलेंगे, तो यूकैरियोट में स्प्लाइसियोसोम प्रेजेंट होगा कि नहीं, यस। प्रोकैरियोट में होगा, नहीं होगा, क्योंकि प्रोकैरियोट में इंट्रोन नहीं पाया जाता। कुछ एक्सेप्शन है जो प्रोकैरियोट में पाया जाता है, वो एक्सेप्शन जैसे आर्की बैक्टीरिया, तो आर्की बैक्टीरिया का जो भी जीनोम होता है ना सीक्वेंस, वो सिमिलर होता है यूकैरियोट के, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो कुछ एक्सेप्शन है बैक्टीरिया जो कि यूकैरियोट के जैसा फीचर्स रखता है, यानी यूकैरियोट में इंट्रोन है तो प्रोकैरियोट में भी इंट्रोन होगा, समझ में आ रहा है। तो
कुछ प्रोकैरियोट में होता है, ऐसा नहीं कि आप बोल देंगे यू बैक्टीरिया में, जैसे इकोलाई क्या है यू बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया भी दो तरह का है, एक होता है यू बैक्टीरिया, एक होता है आर्की बैक्टीरिया। तो याद रखिएगा आर्की बैक्टीरिया में इंट्रोन होता है, वो एक्सेप्शनल है, उसको आप एक्सेप्शन के तौर पर याद करिए। लेकिन मेनली जो बैक्टीरिया होगा आपको, मोस्टली जो बैक्टीरिया होगा उसमें इंट्रोन नहीं पाया जाता है ना। तो इंट्रोन जो नहीं पाया जाएगा, इंट्रोन एब्सेंट है, इसीलिए प्रोकैरियोट में मान लो कि इतना जीन है ए बी, मान लीजिए तीन जीन है, सपोज मान लेते तीन ही नहीं, बहुत सारे जीन होगा, तो तीन जीन है। और यूकैरियोट का भी इतना ही बड़ा डीएनए लिए, यूकैरियोट में तो सॉरी यहाँ पे बना, यूकैरियोट में तो लीनियर डीएनए है, अब इसमें भी ए बी सी जीन लिए, तो यूकैरियोट में लॉट्स ऑफ इंट्रोन होगा। तो इंट्रोन क्या है, इंट्रोन इज अ नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए, नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए, तो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। और यही एक्सोन क्या है, एक्सोन क्या है, कोडिंग है। तो एक्सोन फंक्शनल होता है, इंट्रोन नॉन फंक्शनल है। तो इंट्रोन को तो काट के हटाएगा, कौन काट के हटाएगा, यूकैरियोट में, स्प्लाइसेस ऑफ प्रोकैरियोट में तो इंट्रोन पाया ही नहीं जाता है, इसलिए हम बोलेंगे स्प्लाइसोसोम एब्सेंट इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट एंड प्रेजेंट इन द केस ऑफ यूकैरियोट, बिकॉज स्प्लाइसोसोम क्या करता है, इंट्रोन स्प्लाइसिंग करता है। समझ आई बात, इंट्रोन स्प्लाइसिंग करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन था, मैं आपको बताया जीन डेंसिटी। अब बताइए तीन जीन यहाँ है, तीन जीन यहाँ है, और तीन जीन मान लीजिए यूकैरियोट में, तो इसका जो डेंसिटी होगा, ये तो फालतू रीजन इसका इंट्रोन है, इसमें तो फालतू है ही नहीं, इसलिए प्रोकैरियोट का जीन डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, यूकैरियोट का कम होगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, आप कहिएगा सर यूकैरियोट में तो लॉट्स ऑफ जीन है, अब लॉट्स ऑफ जीन है तो क्या 30,000 जीन है, यूकैरियोट में हम लोगों में 25,000 से 30,000 जीन्स हैं हमारे बॉडी में, लेकिन प्रोकैरियोट में तो इतना जीन नहीं है। आप तब कहोगे सर आपने तो बोला था जीन डेंसिटी प्रोकैरियोट में ज़्यादा होता है, तो जीन डेंसिटी प्रोकैरियोट में ज़्यादा होता है ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोन, क्योंकि प्रोकैरियोट में इंट्रोन है ही नहीं, तो एकदम क्या है, एकदम प्यूरिफाइड क्या डायरेक्ट जीन है, क्या है प्यूरिफाइड जीन है, डायरेक्ट जीन होगा। लेकिन इन द केस ऑफ यूकैरियोट में आपको इंट्रोन होता है, इसलिए पहले उसको हटाना पड़ता है, जिसके कारण डेंसिटी ऑफ द जीन घटेगा। तो प्रोकैरियोटिक सिस्टम में जीन डेंसिटी ज़्यादा होगा, यूकैरियोटिक सिस्टम में जीन डेंसिटी कम होगा। अब यहाँ बात करते हैं वैक्यूल का, राइट। तो वैक्यूल आपको प्रोकैरियोट में भी पाया जाएगा और यूकैरियोट में भी पाया जाएगा। तो वैक्यूल प्रोकैरियोट में भी पाया जाएगा और यूकैरियोट में भी पाया जाएगा, है ना। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे हम अगर वैक्यूल की बात करें तो ट्रू वैक्यूल क्या होता है, एब्सेंट होता है इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट, ट्रू वैक्यूल एब्सेंट इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट, राइट। यानी फॉल्स वैक्यूल पाया जाता है, सीडो वैक्यूल पाया जाता है। क्यों बोलते हैं सीडो बोलते हैं, राइट। अब देखिए अगर हम बात करते हैं वैक्यूल का, वैक्यूल का बात करें तो यहाँ पे ट्रू वैक्यूल एब्सेंट होता है, ट्रू वैक्यूल एब्सेंट होगा, ट्रू वैक्यूल एब्सेंट यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा। अब देखिए ये जो वैक्यूल है इसका जो मेम्ब्रेन होता है वो प्रोटीन से बना है, इसीलिए इसको बोला जाता है इट इज अ स्यूडो वैक्यूल, स्यूडो वैक्यूल। लेकिन अगर मान लीजिए प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होगा तो 90% स्पेस जो है प्लांट सेल का, 90% स्पेस ऑफ द प्लांट सेल कवर्ड बाय वैक्यूल, तो इसलिए हम प्लांट सेल में क्या बोलेंगे, इट हैविंग द लार्ज वैक्यूल, क्या होगा इट हैविंग द लार्ज वैक्यूल। तो लार्ज वैक्यूल है तो ये क्या होगा, 90% स्पेस कवर्ड बाय लार्ज वैक्यूल इन द केस ऑफ प्लांट सेल। लेकिन एनिमल सेल में छोटा 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 सा वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल आप सुने होंगे, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें प्रोकैरियोटिक सिस्टम में क्या होगा, प्रोकैरियोट में आपको ट्रू वैक्यूल तो नहीं होता, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एग्जांपल वैक्यूल का गैस वैक्यूल, क्या होगा गैस वैक्यूल, और यहाँ पे आपको वैक्यूल ट्रू वैक्यूल पाया जाता है, जो मैं आगे डिस्कस करूँगा। अगर आपसे पूछेगा कि वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा सिंगल मेम्ब्रेन होता है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं टोनोप्लास्ट, इट इज अ वैक्यूल मेम्ब्रेन इन द केस ऑफ प्लांट सेल। तो वैक्यूल का मेम्ब्रेन क्या होगा, टोनोप्लास्ट होगा।
वैक्यूल में एजला किस, सॉरी यहाँ पे ये वैक्यूल के अंदर जो इंजाइम्स होगा वो किसके जैसा होगा, एजला के लाइसोसोम के अंदर। इसलिए अगर प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं पाया गया मान लीजिए, तो उसके जगह पे कौन काम कर रहा है लाइसोसोम के जगह पे, वैक्यूल, क्योंकि वैक्यूल में जैसा लाइसोसोम के अंदर इंजाइम है वैसे यहाँ पे वैक्यूल के अंदर भी इंजाइम है, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि मान लीजिए एक सेल है, अब इसका साइटोप्लाज्म मूव कर रहा है, राइट, इसका साइटोप्लाज्म मूव कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रीमिंग, क्या बोलेंगे, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइक्लोसिस, क्या बोलेंगे, तो साइक्लोसिस आपको प्रेजेंट होगा यूकैरियोट में और साइक्लोसिस आपको एब्सेंट होगा। साइक्लोसिस आपको कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, साइक्लोसिस का मतलब होता है एक्सट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी आपको प्रोकैरियोट में साइक्लोसिस नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको बताएंगे वहाँ पे साइक्लोसिस क्यों होता है, माइक्रोट्यूब्यूल सब इन्वॉल्व होता है वहाँ पे, है ना, तो आपको बताऊँगा साइटोस्केलेटन जब पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा, और आपको साइक्लोसिस एब्सेंट इन द केस ऑफ इसमें प्रोकैरियोट में, और साइक्लोसिस आपको प्रेजेंट होगा यूकैरियोट में। तो आज हम लोग डिफरेंस पढ़ रहे हैं, डिफरेंस पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोट यूकैरियोट का, और इसको याद करके आप लोग रखोगे ताकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस इजीली बन सके, राइट, एनी प्रॉब्लम, थैंक यू स्टूडेंट।